अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर जाने से पहले हमारे पास तो सबसे पहले ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट ट्रायंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रायंगल में ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल है, एंगल जो हमारा बना हुआ है वो बी के ऊपर है, और जो एंगल हम यूज़ करेंगे उसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस, और जो बच जाने वाली साइड है वो बेस होगी। ठीक है, इसी तरह एक दूसरी ट्रायंगल बनाई हुई है, इसमें ए के सामने वाला जो साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, और जो बच जाने वाली साइड है वो हमेशा क्या होगी, बेस होगी। इसी तरह हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है जो जिसमें एंगल जो है वो सी पर बना हुआ है, इसके सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर साइड, 90 के सामने हाइपोटेनस, और जो बच जाने वाली है वो बेस। ठीक है, अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तीन होती हैं। ठीक है, पहली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो कॉस थीटा किस साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसमें देखें हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, हमारे पास P और हाइपोटेनस क्या है, H। ठीक है, अब देखें कॉस थीटा ये होता है बेस, ओवर हाइपोटेनस। अब इसमें देखें बेस क्या, हमारे पास B AB और हाइपोटेनस एच है। ठीक है जी, इसी तरह टैन थीटा को अगर हम देखें, टैन थीटा की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इज इक्वल टू देखें इसमें परपेंडिकुलर पी है, ओवर बेस के हमारे पास बी। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो सेम इसी तरह इस ट्रायंगल में भी अगर आप आ जाएं तो हम जो एंगल यूज़ करेंगे उसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बच जाने वाली साइड जो है वो बेस होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनकी को रेशियोज़ की बात करें तो साइन थीटा की को रेशियो क्या होती है, को सीकेंट थीटा, कॉस की होती है सीकेंट थीटा, और टैन की होती है कॉट थीटा। ठीक है जी, अब देखें को सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेसिप्रोकल H जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो P जो है वो हाइपोटेनस बन जाएगा। इसी तरह कोसेकेंट का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा, यानी जो हाइपोटेनस है वो बेस बन जाएगी और जो बेस है वो हाइपोटेनस बन जाएगी, यानी H ओवर B। ठीक है जी, इसी तरह टैन थीटा का रेसिप्रोकल जो लें तो वो कॉट थीटा आएगा, यानी जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस बन जाएगा, यानी कि बी ओवर पी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पास, इन तीनों को हम कहते हैं को रेशियोस। ठीक है, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस साइन कॉस टैन एंड दीज आर को रेशियोस। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, जिस पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो हैं वो ट्रायंगल्स पर बना कर देखी हैं। ठीक है, और तीनों में हमने देखा है कि जो है वो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, लेकिन जो है वो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाता है बाय चेंजिंग द थीटा। ठीक है, जैसे ही थीटा हम जिस तरह जिसको हम थीटा लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बेस भी चेंज नहीं होगा और हाइपोटेनस भी चेंज नहीं होगा, लेकिन
परपेंडिकुलर चेंज होता जाएगा बाय चेंजिंग दी थीटा। जैसे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का आपने ज़रा ध्यान रखना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।